देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राज्य सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने 15 अप्रैल तक की दी है मोहलत। प्राइवेट नौकरी वाले कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए ये मोहलत दी गई है। इसके बाद वेतन नहीं देने पर श्रम विभाग दर्ज करेगा मुकदमा। फैक्ट्रियों, निजी संस्थानों और ठेकेदारों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। उद्योग, वाणिज्यिक संस्थानों, ठेकेदारों को पूरा वेतन देने के निर्देश जारी किए गए। पहले 7 अप्रैल तक का वेतन देने को कहा गया था, पर अब 15 अप्रैल तक वेतन हर हाल में देने को कहा गया है। इसके बाद ही शिकायत आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और FIR भी दर्ज की जाएगी। तो पहले 7 अप्रैल तक का मुहलत था, पर अब ये 15 तारीख कर दी गई है। तो 7 की जगह ये तारीख बदल गई है, 15 तारीख हो गई है। और यदि वेतन नहीं दिया गया तो कार्रवाई की जाएगी, साथ ही FIR भी दर्ज किया जाएगा। तो प्राइवेट नौकरी वाले कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए मोहलत दी गई है और इसके बाद वेतन नहीं देने पर श्रम विभाग दर्ज करेगा मुकदमा। पहले 7 अप्रैल तक वेतन देने को कहा गया था, पर अब 15 अप्रैल तक वेतन हर हाल में देना ही होगा। यदि वेतन नहीं मिलता है और शिकायत आती है तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज किया जाएगा। तो बड़ी खबर देहरादून से, राज्य सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने 15 अप्रैल तक दी है मोहलत। प्राइवेट नौकरी वाले कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए ये मोहलत दी गई है। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अजीत, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, 7 अप्रैल पहले आखिरी तारीख थी, अब ये तारीख जो है वो 15 अप्रैल तक कर दी गई है। यदि वेतन नहीं दी गई तो कानूनी कार्रवाई होगी, FIR भी दर्ज होगा, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने लगातार कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में सभी संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी कार्यरत कर्मचारी होंगे संविदा आउटसोर्स के और प्राइवेट नौकरी करने वाले, उन सभी को तनख्वाह यथावत मिलती रहेगी और 7 अप्रैल तक सभी को तनख्वाह जारी करनी होगी। लेकिन कई तरह की शिकायतें सरकार को मिली है कि निजी संस्थानों में कार्यरत जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, चाहे फिर उसमें ठेकेदारों की बात हो, निजी संस्थानों की बात हो। तो अब सरकार ने साफ तौर पर 15 अप्रैल तक की डेडलाइन जारी की है कि 15 अप्रैल तक सभी को तनख्वाह जारी करनी होगी, अगर नहीं होती है तो FIR होगी और साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कहीं ना कहीं श्रमिकों के हित को देखते हुए सरकार ने ये आदेश जारी किया है और साफ तौर पर निजी संस्थानों और ठेकेदारों और जो अन्य विभाग है उनको साफ तौर पर निर्देशित किया है कि निजी कर्मचारियों को तनख्वाह 15 अप्रैल तक हर हाल में जारी करें। जी जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।